नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। मोतिहारी में बड़ा हादसा हो गया है, इस बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा, दरअसल बॉयलर फटा है ये बताया जा रहा है। बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग इस हादसे में जख्मी बताए गए हैं। बड़े हादसे की खबर बिहार के मोतिहारी से, बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत, 5 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, क्या वहां पर स्थिति उत्पन्न हो गई इस हादसे के बाद, तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, तस्वीरें पूरी स्थिति बताने के लिए काफी हैं। आप देखिए किस तरीके से बिहार की मोतिहारी में बड़ा हादसा हो गया, बॉयलर फट गया और बॉयलर फटने से 4 लोगों की, जी हां 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इस हादसे में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह तड़के का ये मामला है जिसकी जानकारी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, बिहार की मोतिहारी में बड़ा हादसा, फटने से 4 लोगों की मौत, जबकि 5 लोग हादसे में घायल हुए हैं। ये किसी मोतिहारी में शाजिया एनजीओ के किचन में बॉयलर फटा है, एनजीओ चल रहा था दरअसल यहाँ पर, और 4 लोगों की फिलहाल मौत हुई है, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। मिड डे मील के बॉयलर में ये विस्फोट हुआ और कई मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। इन 4 मौत के कितने मुजरिम, आखिर किसकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, सवाल यहां पर ये बड़ा। 4 की मौत, 5 जख्मी, ज्यादा अपडेट का इंतजार हम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हमें और जानकारी देंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, फिलहाल जैसे बॉलर फटता है, हादसा होता है, आनन फानन किस तरह वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। आसपास की तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, वहां पर एक एनजीओ चलता था, वहां पर एक किचन में बॉयलर ये फटा है। तस्वीरें इस समय बिहार के मोतिहारी की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 4 की मौत हुई है, 5 जख्मी हुए हैं इस हादसे में। बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इन हालात का जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, 4 लोगों की मौत हो गई है, गुनहगार कौन, रिपब्लिक भारत ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार की मोतिहारी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज सुबह सवेरे बड़ा हादसा हो गया, बॉयलर फट गया अचानक से, और बॉयलर फटने से 4 लोगों की जान चली गई है, 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, यहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूर्वी चंपारण के सुगौली के बंगरा में जो सरकारी स्कूल चलते हैं शाजिया, उन स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील यहां से बन के जाता था, भोजन इस एनजीओ का काम था, इन बच्चों तक पहुंचाना, सरकारी स्कूल के बच्चों तक, और इसी एनजीओ के किचन में बॉयलर फटा, और आपको बता दें 4 की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हैं, और जैसे ही सूचना पुलिस तक पहुंचती है, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस आगे की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। बिल्कुल, बिहार में यह बड़ा हादसा हुआ है, मिड डे मील के बॉयलर में विस्फोट हो गया, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोगों की जान चली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे प्रकाश सिंह का। प्रकाश, क्या जानकारी और क्या अपडेट है, 4 की मौत, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर? ये घटना हुई है आज सुबह, जब बॉयलर प्लांट जो मिड डे मील बनाया जाता है, जिसमें चावल बनाया जा रहा था, अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है, और जिसके बाद 4 लोगों की मौत की सूचना है, अभी 5 लोग घायल हैं, वहां पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बॉयलर प्लांट है वो किसी एनजीओ संचालक का है, जो कि मिड डे मील का संचालन करते हैं और वो बनाते हैं और स्कूलों में भेजते हैं। अब ये किस कारण हादसा हुआ, ये अभी जांच का विषय है, वहां के जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दे दिया है, और किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो वहां पर कार्रवाई भी होगी मिड डे मील के एनजीओ संचालक पर। बहरहाल हाल ये है कि अभी 4 लोगों की मौत और 5 लोग घायल, प्रकाश, जो लोग घायल हुए हैं, जो 5 लोग घायल हुए हैं इस वक्त, उनकी हालत कैसी है? वो लोग भी अभी सेंसिटिव हैं और उन लोगों की इलाज चल रही है वहां पे, और वो लोग बता पाएंगे उनसे जब उनका फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक से हो जाए, तो दोपहर बाद उनसे भी पूछताछ करेगी अधिकारियों की टीम कि कैसे ये हुई हादसा और क्या चूक हुई जिसके कारण ये बॉयलर प्लांट में विस्फोट हुआ। और गनीमत यह है कि उस बॉयलर प्लांट के आसपास बच्चे नहीं थे, ये थोड़ा दूर इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, गनीमत की बात यही थी प्रकाश, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए प्रकाश जी, अपडेट के लिए हम लौटेंगे वापस, फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है, 5 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, 4 की मौत की खबर सामने आ रही है।